सबसे पहले इनको किसी होटल पे ले गया, वहाँ पे खाना खिलाया और बिल भी नहीं दे के गया, फिर इनको किसी जंगल में ले गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उस्मा। नाज़रीन, तकरीबन एक माह हो गया है, एक फैमिली जो है वो फुटपाथ के ऊपर बैठी हुई है। एक माँ जी है, उनके साथ तकरीबन 6 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 4 बेटे हैं। एक माह से इनको देखा जा रहा है कि यहीं पे बैठे हैं, रोती रहती हैं सारा दिन, बच्चे भी साथ बैठे, कोई लंगर दे जाता है तो खा लेते हैं। क्या हुआ इनके साथ, कौन सी ऐसी ट्रेजडी हुई है जिसकी वजह से ये पिछले एक माह से बेटियों और बेटों समेत फुटपाथ के ऊपर रह रही है? आए मेरे साथ, आज जानते हैं हम इनसे, क्योंकि एक माह हो गया इनको देखते हुए, तो आज मैं रह नहीं सकी, मैंने कहा इस फैमिली का जाके पूछते हैं कि इनके साथ आकर हुआ क्या। आए मेरे साथ। जी मैनू दसो कि की होया मां जी के नाल मसला, 5 बच्चे लैके सड़क के उत्ते बैठे ने, कहने मेरे 5 बेटे ने ते 2 बेटियां ने, की होया मसला? भाजी इन्हों का वालिद फौत होया, यतीम बच्चे ने, इन्हों का अपना घर बार नहीं है, खानेवाल तो आए ने, ते उस तो बाद इत्थे आए सन सलाम करन लई, भई सलाम करांगे, कोई कारोबार करके अपना इत्थे मकान कोई किराए ते लवांगे। उस तो बाद आए ने ते इन्हों का जिहड़ा ना बच्चा इत्थे अगे पिछे होया, इत्थे मुंडे सन नशई, कोई इत्थे कराची का एक मुंडा सी उहदे नाल जनाब जिहड़ा ना वह फिर टुर रहा सी, इत्थे ही बहिंदा सी, इत्थे ही रहिंदा सी उह पिलर दे कोल, ते उस तो बाद उहनू लै के गया मुंडा पार आ के, कोई छुरियां छुरियां विखांदा रहा, फिर वह बच्चा घबरिया। उस तो बाद 1 महीना हो रहा सानू बच्चा नहीं मिल रहा, उस तो बाद असी इसलिए इत्थे बैठे हाँ, निक्के निक्के बच्चे ने तुहाडे सामने फुटबारी ते बैठे ने, ठीक है, बकाया यही करो कि इन्हों की कोई हेल्प की जाए। नहीं, ये खाने वाल तो सिर्फ इतने सलाम कर आए सी गंज बख्श हजवेरी से, या इतने काम कर आए से? आए सलाम कर सन कि चलो कोई काम कुम ही करा उ जाके, फिर कोई मकान लै लेंगे, क्योंकि इन्हों की अपनी जगह रिहायश नहीं है। फौत हो खाने वाले, इन्होंने अपना घर नहीं है? घर इन्हों का नहीं है, तीन बच्चे ने छोटे छोटे, ठीक है, इन्हें भी कोई मदद की जाए। बच्चा कौन लैके गया? बच्चा इतने ही बाजी मुंडा फिरदा है, ठीक है, इतने आंदा पट्टी पट्टी कोई उहदा नाम है, ठीक है, आंदा इतने छुरियां छुरियां विखांदा रहा, विखा के उन्होंने एक दो बारी सामने पार्क के लैके गया। वह मुंडा ही दसदा है जेडे मुंडे की, वह दूसरा वह इन्हों के बच्चे के नाल फिरदा सी, मुंडा कराची चो आया ओद नाल फिरदा सी, उन्हें भी लैके गया, उसकी तलाशी ली, उसके को पैसे पूसे लाए ने, उस तो बाद उसकी जेबा वड़ियां गई ने, उस तो बाद साडा बच्चा उस तो जुदा करके फिर उस तो बाद अगवा किया गया, पता नहीं उन्हें घर भेजिया, पता नहीं कितने उन्हें नौकरी से लवा के पैसे लाए ने, कितने किया कितने नहीं। इस टाइम तीन महीना डेढ़ हो गया असं लभ रहे हैं, असं इस वजह तो इतने बैठे हैं। सड़क के बच्चिया भी तो बच्चे लैके सो रहे हो, रह रहे इतने रह रहे, परेशान है। आखिर तुम्हें पता है ना, तुम थोड़ी भी औलाद होनी है, माँ है ना, वो लक जिगर है, बच्चा है, आखिर वो औलाद है ना। जी माँ जी, की बने तुहाडे बेटे नाल? अजे तक नहीं मिलिया? नहीं मिलिया। अच्छा, कौन लै गया? तो महीना हो गया तुम इतने रोड से बैठे हो बच्चे लैके? जी है वट्टी लै गई है, इतों का नशे ही है, वो सानू पता ही चल गया, वो आदा मैं नहीं लाके गया, ए बच्चा मेरा वो था कोल पट्टी कोल। अच्छा जी हां। तेरे मियां फौत होया कितनी देर हो गया? ना साल एक हो गया। एक साल हो गया? हां जी। ए तुम्हारी 2 बेटियां ते 5 बेटे? हां जी, 2 बेटे हूं तुम्हारे को, 4 बच्चे ने? हां जी। एक बेटा वो ले गया आदमी? हां जी। सिर्फ अपने बाजी पुलिस भी तंग कर दी है, कल माई बैठी सी, पहले वो पैदल आया मुलाजिम, उन्हें कहा जी मैं तो कह के गया सा आज की रात रहना, कल चला जाना, उन्होंने माई और ने कहा है कि असं बैठे हैं, साडा बच्चा नहीं छड़ रहा, एक बच्चा गुम होया, एक दारे वाले लैके गए ने, इंशाल्लाह छड़ देंगे, असं फिर इतों चले जाना, कितने मकान लै लेंगे या असं पिछे चले जावे किसी के डंगर की कर कुर के, उत्थे सानू रिहायशी मिल जाएगी, अपना काम करांगे, अपने बच्चों उत्थे बैठावांगे कि छत थले। अच्छा फिर वो पुलिस वाला आया दोबारा डाले वाला, माई ने गल की, पुलिस के गल कर रहा कि ज्यादा चक्री चलाक ना बन, ठीक है, ड्राइवर आया पुलिस वाला, बकाया तंग कर दे, इन्हें कहो कोई मेहरबानी करन, ठीक है।
रोटी पानी कितो खांदे हो? लंगर ही खाने दाते दा। दादा साहब लंगर लंगर लाके खांदे हो जी? अच्छा, साढ़े को पैसे भी नहीं है, गड्डी भी साड़ी लाएगा मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल अपनी सी जी? अपनी सी। ओने बंदे इतों दे सन जेड़े रले हो सन, उन्होंने इतो बंदा एक भेजा, वो है सी जी डेरा समेल खान वाली साइड का। वो बंदा आया इतने, उन्हें कुरान ते हथ रखे, दाता जूर की कसम चुकी है, असी कुरान दो जाना दा सरदार है, क्यों असी मुसलमान है, एक नबी का कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, असी उस ते यकीन करके असी टुर के गए। उन्हें क्या उत्थे डंगरां दा काम करना है, ते मैं हाजी साहब हाँ, असी सऊदिया रहने हैं, तुसी उत्थे चलो, तुहानू मकान ही लै के देंगे, तुहानू सारा समान समून तुहाडे पर। और नहीं उत्थे डेरा इस्माइल खान इत्थों ही लैके गए ने ऐसी जगह पे। अच्छा, फिर लैके गए ने उत्थे साडा अब्दुल हकीम किसे किते घर मोटरसाइकिल खड़ा सी इन्हां दे वाले ते घर उत्थे मोटरसाइकिल खड़ा सी, असी ओह नाल लैके गए हां मोटरसाइकिल। ओह जनाब जिहड़ा है ना, एक दिन सानू उहने रोड ते सवाया, फिर उहने कहा कि मेरे पैसे जिहड़ा ना अज इतवार दा दिन ने बैंक बंद है। फिर उहने कहा मोटरसाइकिल हैगी है, मैं जाके पैसे कढ़ा के लियाना। ਉਹ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਸੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣਾ? ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਹ ਉੱਧਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੰਗਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ? ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈਏ, ਅਬੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਮੋਰ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਈ। जंगल कार दूर दूर तक नहीं, कोई नहीं। अगली साइड ते ओ मच्छी वाले जिथे मच्छी बनांदे ने ओ उतली साइड है, थलवी साइड ते करके जंगल है, उन्होंने उत्थे मंजे मुंजे लाए ने उत्थे बैठदे ने। फिर इन्होंने ओना बंदा निकल गया, उन्होंने फिर माई नू पकड़िया मच्छी वालिया ने, उन्होंने कहा है कि बिल अदा करो। अच्छा, बिल भी उन्होंने उतारो? आगे उन्होंने इहनू कहा तू रोटी खाधी है, तू बिल उतार के जा, 800-900 रुपया बने है। फिर इन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं है, रो पाए ने उत्थे। फिर उन्होंने एक बंदा आया, उन्होंने कहा कि असी तेरे नाल जबरदस्ती कोई कर लांगे, ठीक है। उस तो बाद इन्होंने हाथ जोड़े ने, एक बंदा आया वो एक मुसाफिर जी रोटी खा रहा सी, उन्हें कोई यदि हेल्प की, अगले दी मिन्नत तरला कीता, उन्होंने फिर छड़िया। नहीं तो होटल वाले तो कहने पैसे की जबरदस्ती करांगे तो। हाँ जी, कित बिठा के की आए? अच्छा, किधर और जाके करांगे? हाँ जी, पैसे के बदले? हाँ जी, मैं अपनी जान बचा के आ गई। अच्छा, फिर तुसी वापस अपने बच्चे? हाँ जी, फिर तुसी लाहौर आए? हाँ जी हाँ जी, दोबारा। बड़ा कोई रिश्तेदार, कोई भैन भरा, कोई माँ बाप नहीं इस दुनिया? रिश्तेदार जी दुनिया ते नहीं है, वो नहीं रिया, मेरा बंदा नहीं रिया, ते दुनिया ते कोई भी नहीं रिया, साढ़े बनते नहीं तो किमें असी आखिए साढ़े रिश्तेदार है ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੈ ਭਾਈ 17 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਖਾਨ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
सामने पे ने नाजरीन, ये एक माँ जी हैं जो एक सऊदीया के हाजी साहब ने इनके साथ फ्रॉड किया है कि मैं आपको मकान लेके दूंगा, कोई काम भी दे दूंगा, आप मेरे साथ डेरा इस्माइल खान चलें। और उससे पहले इनको किसी होटल पे ले गया, वहाँ पे खाना खिलाया और बिल भी नहीं दे के गया, फिर इनको किसी जंगल में ले गया, वहाँ पे जाके इनको बेहोश करके फेंक दिया। उसके बाद होटल वालों ने पकड़ा और उन्होंने कहा हमारा बिल दें वरना हम आपके साथ ज़बरदस्ती करेंगे। तो ये किसी तरीके से अपनी जान बचा के इधर आई है, रो रही है, पीट रही है। रोड के ऊपर दो बेटियों और चार बेटों के साथ इस टाइम मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह कि इनके लिए कोई छोटे मोटे कमरे का बंदोबस्त किया जाए ताकि ये अपनी बेटियों की इज्जत जो है वो सड़क के ऊपर ना इस तरह लेके रहें। रात के टाइम पूरी पूरी रात बैठ के निकालती हैं और बेटियों की हिफाजत कर रही हैं। दो जवान बच्चियाँ इनके साथ और चार इनके बेटे, एक बेटा इनका कोई यहाँ से पकड़ के ले गया और आज इनका आईडी कार्ड, इनके कपड़े, बैग वो भी नशाई ले गए। तो ये यहाँ पे लाहौर किस तरह से पहुँचे हैं, सलाम करने आए थे या किसी के झांसे में आ गए हैं, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इस टाइम बड़ी परेशानी के आलम है, फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कल परसों तक इनके कोई कमरे का बंदोबस्त करके तो फिर इन फैमिली को हम कमरे में शिफ्ट करके दोबारा इनसे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका बेटा भी मिल जाए। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि माँ जी का बेटा जल्द अज जल्द वापस मिल जाए। और जो इस तरह के हाजी साहब या मौलाना साहब, जो इस तरह के लोग हैं, वो इस तरह के गरीबों के साथ इस तरह का बर्ताव ना करें और उनको काम का इस तरह झांसा दे के फ्रॉड मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो कभी भी आपको किसी भी वक्त कहीं भी जो है ना वो आजमा सकता है। आपको अल्लाह ताला जो है वो उसी वक्त उसका जो आपने फ्रॉड किया होगा, धोखा किया होगा, वापस भी हो सकता है। तो इसीलिए किसी के साथ फ्रॉड करने से पहले, किसी की माओं बहनों बेटियों के साथ फ्रॉड करने से पहले अपने घर में ज़रूर देखें। आपको हाजी साहब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, खुदा का खौफ करना चाहिए कि किस तरह से एक पांच बच्चों वाली माँ के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती जाके एक जंगल में फेंका उनको, और सात बच्चे हैं उनके, सॉरी दो बेटियाँ हैं, पाँच बेटे, और किस तरह से उनको दर बदर कर दिया। आज वो लाहौर के अंदर दादा साहब के ये फुटपाथ के ऊपर ये फैमिली बैठी हुई है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इनका कोई कमरे का बंदोबस्त कर सके। ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इनके लिए दुआ भी कीजिएगा कि इनका बच्चा मिल जाए।